वर्तमान बिहार निर्वाचन को लेकर प्रस्तुत हो उठी बिहार राजनैतिक माहौल एवं सबू राजनैतिक दल वर्तमान प्रचार मैदान को हेवीवेट मैंने स्टार प्रचारक कैंपेनिंग करते विभिन्न राजनैतिक दल तर इश्तहार पत्र घोषणा कर मैनिफेस्टो घोषणा कर सीधा दृश्य बर्तमान देखेबी आम अच्छे भोजपुर जिलार आरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से ग्रेट डेमोक्रेटिक सेकुलर दल जी आरा विधानसभा निर्वाचन मंडल जी प्रार्थी रखते प्रवीण कुमार सिंह से प्रचार मैदान को जेहतु कोरोना कटक मध्यरे अल्प संख्यक समर्थक को लेकिन से प्रचार करेंगे दृश्य ये हूँ आरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और यह ग्रेट डेमोक्रेटिक सेक्टर दल प्रार्थी अच्छा प्रवीण कुमार सिंह जोटा कि मायावती असदुद्दीन ओवैसी और से मिलित उपेन्द्र कुशवाहा एम को लेकिन जो दल गोटे गठन होती है दल को लेकिन प्रार्थी आज ये मतलब प्रचार करो कौन तक प्रचार रही है कमी प्रचार करोचना करवा प्रवीण जी हम आपको स्वागत करते हैं। किस तरह से आप लोग प्रचार करते हैं, क्या क्या मुद्दे लेके जनता के पास जाते हैं? सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आवाज़ बंद करिए, कि आप लोगों ने आज चुनावी प्रचार के दौरान मुझे रोड पर रोककर आपने मुझे प्रचार के बारे में एजेंडा के बारे में विशेष रूप से आपने प्रश्न किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रत्याशी हूं, हमारे दल में 6 पार्टियां का 6 नेताओं का हमें आशीर्वाद मिला हुआ है। आज मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के आरा 194 विधानसभा के प्रत्याशी हूं। मुझे प्रत्याशी जनता के बीच में आने का मौका मिला, जो 7 साल से अभी जिला अध्यक्ष हूं और आज भी हैं। मैं मेरा एजेंडा है शिक्षा सुधार, आप लोग के माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार जो हमारा पहले से एजेंडा चल रहा है, बहुत से जो हमारे नेतृत्व में नेता का निर्देश होता है लेकिन हम जनता तक उनकी आवाज़ को पहुंचाते हैं, तो हमारा एजेंडा है शिक्षा, कृषि, सुनवाई, कार्रवाई और दवाई, यही लेकर हम आप लोग के बीच जनता के बीच में हम आए हैं। मैं खास करके आरा विधान के जनता से अपील करना चाहते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हम सेवक के रूप में आए हैं, एक बार मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। मैं जाति धर्म के सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी हमारे निष्ठा पर, हमारे कार्य शैली पर आज हमारे साथ है। हम ना ठेकेदारी किए हैं ना रंगदारी किए हैं, हम जनता सेवा 88 के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उसी आधार से आज आपके बीच जनता के बीच वोट मांग रहे हैं कि एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। नेता बनाने के मुझे शौक नहीं, लेकिन एक बार सेवा करके करने का मौका दीजिए तो पता चलेगा कि सेवक आपके आरा विधानसभा के लिए क्या कर सकते हैं। हम वादा भी करते हैं, जो भी बहुत से हम क्षेत्र में गए हुए हैं, आज तक कल हम पकड़ी में मेरा प्रोग्राम था, परसों अनाइठ मुहाला में था, अभी क्या हम लोग कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। 1 करोड़ रुपया का मकान लोग बनाकर सिंह देहात से आए हुए हैं और देख रहे हैं पानी में इतना हेल कर हमको लेकर पूरा घुमाए, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि 21वीं सदी में लोग कहते हैं कि 21वीं सदी में हम आ गए, लेकिन आज जनता के क्या हाल है। मैं जनता के मुद्दा को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ और जनता से खास करके आरा विधानसभा के जनता से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि मुझे एक बार सेवक के रूप में सेवा करने का मौका दीजिए। प्रवीण कुमार सिंह, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष सह आरा विधानसभा के प्रत्याशी 194, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखते जी जो चुनाव होने वाले हैं, आप चुनाव में क्या मुद्दे देखते हैं, किस मुद्दे के आधार पर आप लोग राजनीतिक पार्टी को वोट देंगे, क्या मुद्दे देखते हैं, क्या स्थिति है वर्तमान? मुद्दा तो देखिए, पहले तो स्वच्छ छवि का कैंडिडेट होना चाहिए, बाद बाकी क्षेत्र में जो लोकल हमारी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दें, गली नाली है, बिजली की व्यवस्था है, ये सब एकदम समय पर ही बच्चे पढ़ने जाते हैं लाइन कट जाएगा, गली में एकदम पानी जम जाता है, निकलने की नली की ये नहीं है, इसी से बात भी देता है ध्यान देता है, इस तरह की अनेक समस्याएं हैं।
जीत के जाने के बाद में कोई फिर आता नहीं है देखने के लिए, फिर चुनाव आएगा फिर वो लोग आएगा, बीच में कभी भी घूमने देखने हम लोग हालचाल लेने कोई आता नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं सर, क्या कीजिएगा, सब पार्टी का सारे कैंडिडेट है सबका वही हाल है ना, कोई की दूध से धुला हुआ नहीं है। अच्छे लोग हम लोग चाहते हैं कि अब बदलाव हो, अच्छे लोग राजनीति में आए, है ना, यही सब है। जो राजनीतिक कामें लागू कर देखने को बाकी रहा भोट समय क्या भोट दिखे क्या विजय करा समय कह आर कैमेरा पर्सन मनोरंजन खान और बस।